आप यहाँ पाकिस्तान से आए हो माशाल्लाह, आप देखिए हम कितना यहाँ सफर कर रहे हैं, आप देखिए आटे दाल चावल की प्राइसेस कितनी स्काई रॉकेटिंग, महंगाई देखो कितनी है, यहाँ क्या हो रहा है। अब रिसेंटली हम बने क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री, अब ये क्या करना है हमें, सबसे हमें पाकिस्तान बनना है। अब आप देखिए हमारा जो रेलवे लाइन है वो पूरे इंडिया से कनेक्ट हो रहा है, हमें क्या करना है इससे, हमें तो उस कंट्री में रहना है जहाँ पे आजाद कश्मीर है, जहाँ पर रेलवे है ही नहीं। अच्छा बात नहीं है। आप देखिए टमाटर सब्जी के रेट्स कितने महंगे हो चुके हैं, हम 10-20 रुपए 30 रुपए में नहीं खरीदना चाहते टमाटर, हमें 150 रुपए टमाटर खरीदने हैं, हमें पाकिस्तान बनना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फना अमजद, और सना अमजद ने इंटरव्यू ले लिया था याना मीर जी का, तो फना अमजद तो उससे भी 420 है, वो आगे सीधे उनके घर उनका इंटरव्यू ले लें। ऐसे कैसे? तो नाजरीन आपको पता है पाकिस्तान में मैं सबसे पहले पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करना सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया था, इंडियन कंटेंट पर काम किया, मैं पहली एक अकेली लड़की थी, मेरा स्ट्रगल था। लेकिन आजकल हर बंदा जो है वो मोबाइल उठाता है और मार्केट में निकल जाता है और लोगों से अपनी राय लेना शुरू कर देता है और बस शुरू हो जाते हैं। अच्छा बात नहीं है। आप मेरे को देखकर बहुत ज्यादा साफी उतर आए हैं, लेकिन साफी मैं ही हूँ, वो सिर्फ यूट्यूबर है, मुझे बतौर सहाफी कहलाना पसंद है ना कि यूट्यूबर, कि मुझे लोग जो है वो सहाफी के नाम से जाने ना कि एक यूट्यूबर के नाम से। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से तो हम बहुत ज्यादा बिल बिलाते हैं कि हम 1000 साल तक घास की रोटी खाएंगे लेकिन कश्मीर को लेकर रहेंगे, तो मैं खुद कश्मीरी आवाम से पूछ लूं कि भाई वो क्या चाहते। जी बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। हमारा एक नारा है कि इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज हम खुद कश्मीरी लोगों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो मैम बताइए आप, इंशाल्लाह कश्मीर को पाकिस्तान बनना चाहिए, आफ्टर ऑल आप देखिए हम कितना सफर कर रहे हैं, आप यहाँ आए हो, आप यहाँ पाकिस्तान से आए हो माशाल्लाह, आप देखिए हम कितना यहाँ सफर कर रहे हैं, आप देखिए आटे दाल चावल की प्राइसेस कितनी स्काई रॉकेटिंग, महंगाई देखो कितनी है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रोज एक नई कॉलेज खुल जाती है, रोज एक नया मतलब रोज कोई नई सड़क आ जाती है, रोज एक नई फ्लाइट अनाउंस हो जाती है एयरपोर्ट पे, रोज एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाता है, कभी स्मार्ट सिटी श्रीनगर, रोज एक नया हमें अवार्ड मिल जाता है। अब रिसेंटली हम बने क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री, अब ये क्या करना है हमें सबसे, हमें पाकिस्तान बनना है। अब आप देखिए हमारा जो रेलवे लाइन है वो पूरे इंडिया से कनेक्ट हो रहा है, हमें क्या करना है इससे, हमें तो उस कंट्री में रहना है जहाँ पे आजाद कश्मीर है, जहाँ पर रेलवे है ही नहीं। मैं नहीं मानता, हम तो वहाँ जाना चाहेंगे, हम क्यों यहाँ रहना चाहेंगे इंडिया में, ये जुल्म है हम पे। आप देखिए टमाटर सब्जी के रेट्स कितने महंगे हो चुके हैं, हम 10-20 रुपए 30 रुपए में नहीं खरीदना चाहते टमाटर, हमें 150 रुपए टमाटर खरीदने हैं, हमें पाकिस्तान बनना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप समझो ना इस बात को, हमें 200 रुपए आटा खरीद, हमें नहीं खरीदना 25 रुपए किलो आटा, हमें 400 रुपए राइस खरीदना है, हमें नहीं खरीदना इतना सस्ता चावल, ये क्या हो रहा है, मतलब ये हम पर जुल्म है जो हमें पूछा ही नहीं जा रहा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हमें पाकिस्तान ही बनना है, यहाँ इतना जुल्म हो रहा है, यहाँ इतनी तरक्की हो रही है, हमें क्या करना है इसका। अच्छा मैम, एक तरफ हम बात करते हैं कि कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ हम इस बात को मानते भी नहीं है, इंडिया में मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, मुस्लिम लोगों को इबादत नहीं करने दी जाती, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और मैम इंडिया में बुरखा भी नहीं पहनने देते। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ हम अकीदतमंदों को जो है इबादत नहीं की करने दिया जाता। कल रात को भी मैं तरावी पढ़ने गई थी, मैं बहुत लेट आई वापस, आजकल आपको पता है ना दरगाह हजरत बल और सारी दरगाहों में सारी मस्जिदों में तरावी पढ़ी जाती, क्योंकि रमजान माह रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, तो जब भी हमें मौका मिल जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने से जब भी मौका मिल जाता है, तो जी हम घर आके यही डिस्कस करते हैं कि किस तरह यहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, हमें लगता है कि ये बहुत जुल्म है, हमारी मस्जिदें जो है जब भी हमें मौका मिलता है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ के घर आए और डिस्कशन हो, तो हम यही डिस्कस करते हैं कि मस्जिद में यहाँ नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। जी बहुत जुल्म हो रहा है हम पर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडियन आर्मी आप पर बहुत जुल्म कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट आप पर बहुत जुल्म कर रही है। जी आर्मी का क्या बताएं, देखिए जब भी यहाँ बारिश वारिश होती है तो अगर कोई आर्मी वाला, वैसे तो आजकल कहीं दिखते नहीं भाई हमारे, शायद वापस चले गए पता नहीं क्या है, लेकिन जब बारिश होती है या हैवी स्नोफॉल होता है और वो बेचारे बाहर खड़े होते हैं, तो हमारे जो
कश्मीरी लोग हैं वो उनको खुद अपनी दुकानों में अपने घरों में बुलाते हैं, बोलते हैं आइए चाय पीजिए हमारे साथ, थोड़ा स्नो कम हो जाएगा तो फिर चले जाना यू नो पहरेदारी करने के लिए, या बारिश कम हो जाएगी फिर चले जाना। तो जब वो कश्मीरी लोगों के साथ, जब आर्मी वाले कश्मीरी लोगों के साथ उनके दुकान पे बैठ के चाय पे चर्चा करते हैं, वो यही चर्चा करते हैं कि आर्मी बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है, देखो ना कितनी जुल्म करती है आर्मी हम पर, कभी औरतों को जो है, जो बेवा औरतें हैं उनको दे देती है सुइंग मशीन और ये सारी चीजें ताकि वो खुद खुद मुख्तार बन जाए, ऐसे कोई जुल्म करता है बेवा औरतों पे? नहीं। कि क्या जुल्म है? कभी 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 फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं गांवों में जाकर, ऐसे कोई जुल्म करता है गांव वालों पर जाके फ्री मेडिकल कैंप? अरे कौन से देश की आर्मी फ्री मेडिकल कैंप करती है? अरे जब यहाँ पे फ्लड्स हुए थे सारे, तो हमारे सियासतदान इतने रिस्पेक्टफुल, हमारे सियासतदान सब अपने घरों में जाकर छुप गए, देखो कितने अच्छे लोग हैं, और ये आर्मी वाले क्या कर रहे थे? सड़कों सड़कों पे जाके लोगों को हेल्प कर रहे थे जो फ्लड्स में फंसे थे। ऐसा कोई करता है आर्मी में रहके? ऐसा जुल्म कौन करता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं बता रही हूँ आपको। इंशाल्लाह इंडिया में इतने जुल्म हो रहे हैं तो आप रिपोर्टर और सोशल एक्टिविस्ट कैसे बन गई? आप पर देखिए, मैं बहुत दिन जेल में रही, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैं ख्वाब था शायद वो, लेकिन ख्वाब में ही सही मैं जेल में रही, मुझे यहाँ से पुलिस उठाकर ले गई जस्ट बिकॉज मैं सहाफी हूँ, वो ख्वाब था मेरा, लेकिन तो क्या हुआ, मैं ख्वाब में जेल में थी क्योंकि मैं एक सहाफी हूँ कश्मीर की। इस तरह कोई सहाफियों पे जुल्म करता है, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम पाकिस्तानियों के पास खुद का कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज भी हम उर्दू बोलते हैं लेकिन उर्दू की टांगे तोड़ देते हैं, हम हर वर्ड के पीछे लात लगा देते हैं, तो क्या लात लगाने से वो वर्ड उर्दू का बन जाता है? देखिए मतलब हिंदी क्या चीज है, हजारों साल पुरानी लैंग्वेज, उसको कोई लैंग्वेज बोलता है? लैंग्वेज तो उर्दू होती है, थोड़ा पर्शियन ले लिया, थोड़ा अरबी ले लिया, थोड़ा हिंदी ले लिया, उसको बना दिया लैंग्वेज, उसे कहते हैं लैंग्वेज। उर्दू हमारी लैंग्वेज है, कश्मीरी नहीं, हिंदी नहीं, उर्दू हमारी लैंग्वेज है। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह जरूर बनेगा कश्मीर पाकिस्तान। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा? और मुझे बहुत अच्छा लगा याना जी से मिलके, और जैसा सुना था कि कश्मीर में मतलब लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है और याना मैम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, और याना मैम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप विजिट कर लेना, और कश्मीर भी विजिट कर लेना, जय कश्मीर जय हिंद, और कश्मीर भी विजिट कर लेना, जय कश्मीर जय हिंद। ओके, जय कश्मीर जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। तो कैसे हो नाजरीन, सॉरी नहीं, तो आपका सरनेम है मीर और कश्मीर के भी मतलब मीर लगता है, तो उनमें कोई कनेक्शन है या फिर आपका मतलब बचपन से ऐसा सरनेम मतलब मम्मी पापा से मिला है या फिर मतलब ये क्या सवाल है यार, काटो इसको।